छठ पूजा को लेकर यातायात पुलिस ने रूट डायवर्जन जारी किया है। 19 नवंबर यानी रविवार की दोपहर 2 बजे से लागू हुआ डायवर्जन अगले दिन सुबह छठ पूजा समाप्त होने तक प्रभावी होगा। एसपी यातायात श्याम देवबिंद ने बताया कि रूट डायवर्जन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। एम्बुलेंस, तीर्थयात्रियों व आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को डायवर्जन में छूट मिलेगी। आपको बता दें, संत कबीर नगर की तरफ से गोरखपुर आने वाले भारी वाहन कालेसर से 4 लेन की ओर डाइवर्ट किए जाएंगे। सभी वाहन बाघागाड़ा, रामनगर, करजहा, जंगल कौड़िया 4 लेन होते हुए गंतव्य तक पहुंचेंगे। बढ़लगंज से गोरखपुर की तरफ आने वाले भारी वाहन बाघागाड़ा स्थित 4 लेन पर रामनगर करजहा होते हुए कालेसर से अपने स्थान पर जाएंगे। कुशीनगर की तरफ से आने वाले भारी वाहन कोनी तिराहा से रामनगर करजहा होते हुए अपने स्थान पर जाएंगे। देवरिया से आने वाले भारी वाहन रामनगर करजहा 4 लेन बाघागाड़ा होते हुए अपने स्थान पर जाएंगे। बाईपास तिराहा से रोडवेज और प्राइवेट बसों को डाइवर्ट किया जाएगा। सभी वाहन रामनगर करजहा से 4 लेन होकर आवाजाही करेंगे। नौथड़ चौराहे से टीपी नगर चौराहे की तरफ सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। दुर्गाबाड़ी, अलीनगर, बख्शीपुर, जुगनू तिराहा, टीपी नगर, राप्ती नदी के पुल के मार्ग पर सभी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। घोष कंपनी से नखास, रेती चौराहा से घंटाघर की तरफ 3 पहिया, 4 पहिया वाहन नहीं जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, देखिए छठ का त्योहार जो है वो 19 और 20 को मनाया जाएगा। इसके लिए डायवर्जन प्लान की व्यवस्था यातायात पुलिस द्वारा की गई है। लखनऊ की तरफ, लखनऊ संत कबीर नगर की तरफ से आने वाले जो भारी वाहन है उनको 0 पॉइंट से ही डाइवर्ट किया जाएगा, उसको शहर की तरफ नहीं आने दिया जाएगा। इसी तरह से वाराणसी की तरफ से आने वाले जो रोडवेज बसे या भारी वाहन है उनको बाघागाड़ा से ही डाइवर्ट करके रामनगर करजहां से ही अपने गंतव्य स्थल की ओर जा सकते हैं। इसी तरह से जो टीपीगंज की तरफ से आने वाले वाहन हैं, जो सोनौली फरिंदा के वाहन हैं या कैंपियरगंज की तरफ से आ रहे हैं उनको गोरखनाथ मंदिर की तरफ नहीं आने दिया जाएगा, उनको बरगदवा की तरफ से ही डाइवर्ट किया जाएगा। इसी तरह से जो रेलवे स्टेशन की तरफ से यातायात तिराहा होकर गोरखनाथ मंदिर की तरफ जो वाहन जाते हैं, जैसे बसें हैं या अन्य वाहन है, उनको भी गोरखनाथ मंदिर की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। उनको डाइवर्ट करके विश्वविद्यालय चौराहे से मोहद्दीपुर से कौवाबाग के रास्ते से ही वो फरिंदा या सोनौली की तरफ जा सकते हैं। तो ये डायवर्जन प्लान की व्यवस्था की गई, भारी वाहनों के लिए की गई है।